के, अब ये डिवाइडेड बाई है, ये इसके नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 by 10 to the power 4 upon 2 by 10 to the power 9 इज इक्वल टू 2 by 10 to the power k। अब ये 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 by 10 to the power 4 into 2 by 10 to the power minus 9 इज इक्वल टू 2 by 10 to the power k। ये -9 + 4 कितना हो जाएगा, -5, तो 2 by 10 to the power -5 आ जाएगा। और इधर हो जाएगा 2 by 10 to the power k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, k = -5। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लगाने के लिए दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, cubic root 8 into 4th root 2 into 12th root 32। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, (4th root 4th power 2x) = 1/32। और नेक्स्ट क्या है, इसमें देखिए सारे जो दे रहा हूं इसमें x की वैल्यू निकालना है। थर्ड क्या है क्वेश्चन, (2 to the power x-1) + (2 to the power x+1) = 320। फोर्थ क्या है, 9 to the power 2x = 27 upon 3 to the power x+2। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 3 to the 3 + 2 to the power x = 64 to the power half + 27 to the power 1/3। ठीक है ना, ये जितने क्वेश्चंस हैं इनमें चारों में आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको लगाना है 1 upon 1 plus x to the power a minus b + 1 upon 1 plus x to the power b minus a = 1। ये प्रूफ करना है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, ये है (x to the power l upon x to the power m) (1/ml) into x to the power m upon x to the power n x to the power n to the power 1 by mn into x to the power n
अपॉन एक्स टू दी पावर एल टू दी पावर वन बाई एन एल, ठीक है। इसको आपको प्रूफ करना, इसको इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। और ये है सेवेंथ क्वेश्चन, देखिए एक्स टू दी पावर पी अपॉन एक्स टू दी पावर क्यू टू दी पावर पी प्लस क्यू इंटू एक्स टू दी पावर आर अपॉन पी एक्स टू दी पावर आर अपॉन एक्स टू दी पावर पी टू दी पावर आर प्लस पी आर प्लस पी इंटू एक्स टू दी पावर क्यू अपॉन एक्स टू दी पावर आर पावर क्यू प्लस आर इज इक्वल टू वन, ठीक है। सेवेंथ हो गया। अब एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, एट्थ वाला, 2000 टू दी पावर 10 इक्वल टू 1.024 इंटू 10 टू दी पावर के, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। जी मीट क्लास में आप लोग आइए, आप लोग जी मीट क्लास में नहीं आ रहे हैं, कम लोग आ रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, बाद में आप भी पछताएंगे, हम मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, थैंक यू।